बियर बेकर, बियर अंबेडकर, हे नो नो नो, बियर बेकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हुआ अपमान। यूनिवर्सिटी में जाति भेद पर भद्दा मजाक। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी है, इसमें कुछ लड़के आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ तक कि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जगह बी आर अम्बेडकर तक कह डालते हैं। ये लड़के यही नहीं रुके, इन्होंने एक दलित किरदार का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि अगर वो किसी सवर्ण लड़की के साथ डेट पर भी जाएगा तो भी लड़की उसे अपने प्लेट से खाना नहीं खाने देगी। ये स्किट बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी में खेला गया था, जहां वंचित जाति और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। वंचित वर्गों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि स्किट से ना सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है, बल्कि इससे कैंपस में जातिवाद को बढ़ावा देने और जाति आधारित भेदभाव को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जैन यूनिवर्सिटी में द डेलरोइज बॉयज नाम के ग्रुप ने इस स्किट को प्ले किया था। इस ग्रुप और यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब महाराष्ट्र के नांदेड़ में FIR दर्ज की गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता अक्षय बंसोड़ ने पुलिस में शिकायत कराई है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो पर जो कि जैन यूनिवर्सिटी में स्किट के तौर पर प्रेजेंट किया गया था, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से और दलित समाज के नाम से बहुत ही गंदा और भद्दा मजाक किया गया था, और वो वीडियो मैंने कुछ अम्बेडकर दोस्तों के साथ शेयर किया। उसके बाद हमने ये तय किया कि इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ह्यूमर जो है वो यकीनन एक पॉलिटिकल टूल है, मगर ह्यूमर अगर वंचित समाज की तरफ से प्रस्तापित लोगों के खिलाफ अगर यूज करते हैं तो पॉलिटिकल टूल कहलाया जा सकता है, मगर प्रस्तापित समाज के द्वारा वंचित समाज की स्थिति को लेकर, उसकी सोशल कंडीशन को लेकर अगर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो यकीनन वो प्रॉब्लमेटिक है, और इसके खिलाफ हमने कल वंचित बहुजन युवा आघाड़ी की तरफ से नांदेड़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनके अगेंस्ट एक उनके पास एक शिकायत दर्ज की गई है। और हम इसी के साथ जो हमारे स्टूडेंट है जो कि सभी इलिट स्पेसेस में, इलिट इंस्टीट्यूशंस में अभी पढ़ रहे हैं, उनको डिफ़िकल्टी इन एजुकेशन ना हो और उनको ये जो कास्टिज्म को फेस करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े, इसलिए हम भारत के सभी अम्बेडकराइट संगठनों से अपील करते हैं कि एक फोरम का फॉर्मेशन हो और आगे चल के ऐसे मामले जो है उस मामलों में कटौती आए। द डेलरोज बॉयज ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। द डेलरोज बॉयज के अलावा जैन यूनिवर्सिटी पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस स्किट को कई लेवल पर देखा गया होगा, स्क्रिप्ट को अप्रूव किया गया होगा और तब जाकर इसे प्ले किया गया होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी को इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। हमने यूनिवर्सिटी को कई बार कॉल किया लेकिन हर बार वो बात करने से टालते रहे। हेलो, हाय, माय नेम इज सुमित चौहान, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द न्यूज वीक, वी आर ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिल्ली। कैन यू कनेक्ट मी टू समबडी विद PRO और समबडी स्पोक्सपर्सन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई नीड योर वर्जन ऑन ए रिसेंट स्किट कंट्रोवर्सी विच हैपेंड इन योर यूनिवर्सिटी। प्लीज होल्ड द लाइन सर।
contact to receptionist and check, sir. This is related to documents team. No, I called to another number, but they gave me this number only because this is the official number they told me. I'm calling from the cellular call. So can you give me any mobile number or the landline number? Don't have any mobile number. So is there anybody who can talk about the contact? If you call up to receptionist, task number is 700. If you call up to that reception number, she will connect you to the concerned person or concerned department. स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह की हरकतों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। वंचित तबके से आने वाले लोग बहुत कुछ सह रहे हैं, ऐसे में उनके साथ होने वाले भेदभाव का मजाक बनाना और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जातिवादी सोच के अलावा कुछ नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।